तस्वीरें फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड से महालक्ष्मी होटल की हैं, जहां पर आज हरियाणा के पूर्व केंद्र मंत्री किरण चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद पहुंची, जहां पांचों हलकों में जाएंगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों के बारे में उनसे बात करेंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी को चुनौती देने के लिए नहीं निकली, वो तो केवल अपने उन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंची हैं जो अपने आप को पार्टी में अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनके कारण पार्टी 62 से 40 हज़ार पर आई और फिर 40 के बाद हम 13 पर आ गए। लेकिन इस बार लोगों में काफ़ी गुस्सा था, जिसके चलते पार्टी 30/31 पर पहुँच गई थी। इसका कारण था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहा था। हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करे, ऐसा ना हो, उसी से उभारने के लिए वो फरीदाबाद में पहुंची थी। वहीं SYL के मुद्दे पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि SYL नहर हरियाणा के लिए और ख़ासतौर से दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा है। वहीं उन्होंने बताया कि इस नहर का निर्माण स्वर्गीय बंसीलाल जी ने करवाया था, उन्होंने इसके लिए पंजाब को पैसे भी दिए थे। चौधरी बंसीलाल जी ने एक दूरदर्शी नेता थे, वो जानते थे कि ये नहर दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल जी हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस किसी एक की बपौती नहीं है। उन्होंने किरण चौधरी को पार्टी से बाहर निकालने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि उनके जो शुभचिंतक हैं, जो उन्हें पार्टी से निकलवाने की सोच रहे हैं, वो सुन लें कि वो पार्टी से कहीं नहीं जाने वाली हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता मजबूत होगा उसी को टिकट मिलेगा। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पहले ये कार्यक्रम जो है कांग्रेस जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के द्वार ये प्रोग्राम जो है ज़िले वाइज जो है रखा गया है, और आज जो है आपने देखा पदयात्रा करी, उसके बाद जो है आपके सामने प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद जो है पूरे पाँचों हलकों के अंदर जो इस ज़िले के अंदर हैं वहाँ पर चाय पानी है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, किस तरह से राहुल जी की नीतियों को सोनिया गांधी की नीतियों को आगे बढ़ाना है उसकी बात करेंगे। अच्छा, लोगों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए आप उतरी हैं? किसी को चुनौती देने के लिए मैं नहीं निकली हूँ, मैं केवल अपने जो कार्यकर्ता हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और जिनके कारण जो है आप देखते आ रहे हो ये हालात जो हैं पिछली बार हुए हैं कि हम 62 से लेकर 40 पे आ गए, 40 के बाद हम 13 पे आए, और अब 13 से फिर इस बारी तो लोगों के अंदर गुस्सा इतना था इसलिए 30-31 हम आ गए। सो ये कारण ये है कि हमारा कार्यकर्ता अपने आप को महसूस कर अपेक्षित महसूस करता है, उसको जगाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, दोबारा से उसको आगे जो है बाहर निकालने के लिए मैं आई। पिछले दिनों केजरीवाल थे, पंजाब के CM थे, SYL मुद्दे पर पूछा गया तो टाल मटोल करके, आपकी क्या राय है SYL को लेकर? SYL नहर जो है वो हरियाणा के लिए और ख़ास तौर से दक्षिण हरियाणा के लिए ये जीवन रेखा है, और ये इस नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था, पूरी तरह से हरियाणा के अंदर करवा के उन्होंने उसका काम कार्रवाई शुरू करी, और जो पंजाब के अंदर भी जो निर्माण होना था उसका पैसा भी दे दिया गया था। सारे के सारे सरपंचों को चौधरी बंसीलाल जी लेकर गए थे बसों के अंदर भर के, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, दिखाने के लिए कि किस तरह से दक्षिण हरियाणा के लिए, चौधरी बंसीलाल जी जानते थे कि और दूरदर्शी नेता थे कि दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है अलग से ये नहर निकालनी, और इसलिए उन्होंने ये नहर निकाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुआ कि चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद ये राजनीति की भेंट जो है ये नहर चढ़ती गई, और आज हालात ये हो गए हैं कि जो है पूरी तरह से राजनीति की भेंट ये नहर जो है वो चढ़ चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दे दिया है 2011 के अंदर दिया, पता नहीं कौन सी 11 में दिया है 15, हाँ सर अभी ये सरकार के दौरान दिया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हमारे हक में दे दिया, कह दिया कि ये पानी हरियाणा का अधिकार है, और केंद्र सरकार इसके अंदर जो है अपना हस्तक्षेप करके ये पानी हरियाणा के अंदर लेकर आए, उसके बावजूद जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा ये झूठे फंड जो हैं ये विपक्षी दल ने जो है करे, कोई वो उपवास रखा, कभी कुछ रखा कि हम नहर लेकर आएंगे, तो जब चुनाव आते हैं, चुनाव की बात आती है, तब सारे SYL के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। असलियत के अंदर ये राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है, और ये
नेचुरली जो है उन्हें भी मालूम है पंजाब में उनकी सरकार है, अगर वो कहते हैं कुछ बोलेंगे तो पंजाब वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे, तो वो तो आनाकानी करेंगे। अच्छा मैम, अभी तक देखा गया है कि हरियाणा हो, माफ कीजिए दिल्ली हो, पंजाब हो, आपने सबसे ज़्यादा डेंट कांग्रेस को ही दिया है, तो हरियाणा में क्या मानती है कि आपका क्या वजूद रहने वाला है इलेक्शन में? नहीं, हरियाणा के अंदर मैं सीनियर नेता हूँ, सीएलपी लीडर मैं रह चुकी हूँ, जो है सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मैं रह चुकी हूँ, तो ये हम सारे के सारे जो हैं सीनियर लीडर हैं, मैं हूँ, चाहे शैलजा जी हों, चाहे रणदीप हो, चाहे हुडा साहब हों, हम सारे कांग्रेस का काम कर रहे हैं। आपका क्या रहने वाला है, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ? नहीं, हमने तो अपना काम करना है, हम दूसरी पार्टी की तरफ क्यों देखें? नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने कांग्रेस के वोटर को ही वोट किया है। हमें तभी है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। आज जो है क्यों मैं बाहर निकल रही हूँ कि ये कार्यकर्ता जो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जो इधर उधर भागने के भाग भी सकता है, जो अपेक्षित अपने आप को महसूस करेगा उसको मजबूती दें, उसको कहें कि नहीं कांग्रेस के साथ आप जुड़ के रहिए, इकट्ठा हमने आपका काम करना है, इसलिए मैं निकल रही हूँ। वो जो अपेक्षित आवाज़ जो है वो आवाज़ बनने के लिए मैं निकली। अच्छा, भारत को ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आपका क्या योगदान रहने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब राहुल जी हरियाणा के अंदर आएंगे तब आप देखिएगा सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त अगर प्रदर्शन होगा उनके लिए तो वो हमारा होगा हरियाणा के। अच्छा, आपने कहा हुड्डा जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो कांग्रेस के लिए कौन काम कर रहा है? हम काम कर तो रहे और ये काम करने के लिए निकले हैं, दोपहर के समय गर्मी के अंदर पूरे ऐसी घुम्मस के अंदर और पूरे रात भर जो है घर घर जाएंगे, तो ये काम ही तो कर रहे हैं। फिर ये दरार क्यों है बीच में? दरार नहीं है, मैं केवल देखो कांग्रेस किसी एक की बापोती नहीं, समझ रहे हो, जिसकी अपनी पार्टी है वो तो अपने हिसाब से करे काम, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने क्योंकि उसकी पार्टी है भाई अपने करे। कांग्रेस के अंदर सारे नेता और भी बहुत सारे नेता हैं, खाली एक या दो नेता नहीं हैं, एक या मैं और मैं मेरे नहीं हैं, और भी लोग हैं, सबको लेकर चलें तो आगे बढ़ेंगे। आपने कुछ दिन पहले कहा कि कुछ लोग किरण चौधरी को कांग्रेस से निकालना चाहते हैं क्योंकि अकेली नेता बची है जो कि ये तो ये जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो उनकी सोच होगी, लेकिन उनको तकलीफ होगी ये बात जानकर कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही हूँ, यहीं बैठ के लड़ूंगी और यहीं ये लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं के कंधे के ऊपर जो है मैं लड़ूंगी और आगे बढ़ूंगी और जीतूंगी। अच्छा, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं अभी जो उपेक्षित हैं उनके टिकट के लिए भी आप लड़ेंगी? देखिए वही तो मैं कह रही हूँ कि जो मजबूत होगा वो आगे आए और उसको मिले, हम ये चाहते हैं, ये ना हो कि भाई ये मेरा खास है, ये मेरा खास है, ये मेरा खास है, चार तू ले ले चार मैं ले लूँ, वो काम नहीं होना चाहिए। जो मजबूती जो मजबूत है जो जीतने लायक है उसको मिले तो कांग्रेस में चलेगी, नहीं तो अगर ये सोच के कि भाई ये मेरा आदमी है मेरा आदमी है यूँ करके अगर कोई करेगा तो नहीं कांग्रेस को मजबूती मिलती। गुटबाजी कब तक खत्म हो जाएगी? मैं तो कोई गुटबाजी में विश्वास ही नहीं रखती, मैं तो काम में विश्वास रखती हूँ, जो गुटबाजी में विश्वास रखते हैं ये उनसे पूछिए, ये तो हमारे पास तो विरासत के अंदर आई है।